हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर सलाद की रेसिपी, तो काफ़ी टेस्टी हाई प्रोटीन, रिच हाई प्रोटीन के साथ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें डाल देती हूँ बटर। जब बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो पनीर के क्यूब्स को डाल के इसे जस्ट मिक्स कर लेना है। साथ में ऊपर से डाल देती हूँ ये चिली फ्लेक्स, ये बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। ऊपर से मैं डाल देती हूँ ओरिगानो। अब इसे अच्छी तरह से स्प्रिंकल करने के बाद उलट पलट के जस्ट फ्राई कर लेना है। हल्का सा सौटे करना है, ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है ताकि पनीर थोड़ा सॉफ्ट ही रहे। बस इसे निकाल लेती हूँ 2 सेकंड के बाद। अब फिर से मैंने डाल दिया 1 स्पून बटर। अब बारीक कटा हुआ अदरक मैंने डाल दिया है, साथ में बारीक कटे हुए लहसुन। इसे जस्ट 2 सेकंड सौटे कर लेना है, इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेना है। अब मैं डाल देती हूँ ऑनियन, एक जो पेटल शेप में मैंने काट लिया है। इसमें आप वेजिटेबल अपने मनपसंद डाल सकते हैं। साथ ही मैंने डाल दिया है एक कैप्सिकम, इसे भी पेटल शेप में काट लिया है। जस्ट 2 सेकंड इसे भी सौटे कर लेना है। साथ ही गाजर हाफ, इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आप इसमें ब्रोकोली भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद। साथ में मैंने डाल दिया पत्ता गोभी, इसे भी पेटल सब में काट लिया था, और इसे भी 2 सेकंड अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए डाल देती हूँ एक टमाटर, साथ ही सॉल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग और काली मिर्च पाउडर, और इसे अच्छी तरह से जस्ट हल्का सा मिक्सअप कर लेना है 2 सेकंड के लिए। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जस्ट लगातार चलाते हुए मिक्स करना है और गैस का फ्लेम एकदम से लो रखना है। इसके बाद डाल देती हूँ यह रोस्टेड पनीर। पनीर को इसमें ऐड करके जस्ट इसे भी अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है सारे वेजिटेबल्स के साथ। अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है, देखिए। इसे कवर करने का ज़रूरत ही नहीं है, इसमें थोड़ा सा कच्चापन तो रहता ही है क्योंकि यह मैं सैलड बना रही हूँ। बस ऐसे ही इसे करना है। अब इसमें डाल देती हूँ 1 स्पून के करीब विनेगर, साथ में 1 स्पून सोया सॉस और 1 स्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने थोड़े से पानी में घोल के इसमें मिक्स कर दिया है। बस अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है, इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस 2 सेकंड ही चलाना है, ज़्यादा आपको करने का ज़रूरत ही नहीं है, फटाफट से ये रेसिपी बन जाती है। साथ में मैंने डाल दिया हरी मिर्च, ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। बस तैयार है हेल्दी हाई प्रोटीन पनीर सैलड की रेसिपी, जो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है, बच्चों को काफ़ी फेवरेट, और आपको यह रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।